भाद्रपद पूर्णिमा आने वाली भाद्रपद पूर्णिमा बुधवार दिनांक 2 सितंबर 2020 को आ रही है। इस पूर्णिमा के निमित्त एक विशेष कार्यक्रम सर्वोदय महाबुद्ध विहार तिलक नगर चेंबूर में रखा है, अष्टशील उपोषित व्रत का। इस पूर्णिमा का तो महत्व बहुत बड़ा है, वैसे इस भाद्रपद पूर्णिमा के दिनों में भिक्षु संघ का जो वर्षावास शुरू हो चुका है पहले से, तो यह पूर्णिमा उसी वर्षावास काल में आती है कि जो वर्षावास के 3-4 महीने ये बड़े ही महत्वपूर्ण होते हैं हर एक उपासक उपासिकाओं के लिए, हर एक दायक दायिकाओं के लिए। और पूर्णिमा का दिन तो बौद्ध परंपरा में बहुत ही पुण्य वर्धन करने का दिन, बहुत ही कुशल कार्य पुण्य कार्य करने का दिन माना जाता है। वैसे हर पूर्णिमा बौद्ध परंपरा में अत्यधिक महत्व की मानी जाती है, और केवल बौद्ध परंपरा में ही नहीं, तो आपने देखा कि सभी धर्मों की परंपराओं में, सभी धर्मों में पूर्णिमा के दिन को बहुत ही महत्व का स्थान दिया जाता है। कई प्रकार की अच्छी मंगल कहानियां, शुभ कहानियां ये पूर्णिमा के दिन हर एक धर्म में जुड़ी हुई है, क्योंकि पूर्णिमा का दिन ही विश्व मंडल में एक अनोखा अलग तरीके का दिन होता है, वो सर्व सामान्य दिन नहीं होता। पूर्णिमा के दिन में एक निसर्ग में अलग प्रकार का परिवर्तन हो जाता है, विश्व मंडल में अलग परिवर्तन हमें दिखाई देने लगता है, महासागर में विशेष परिवर्तन पूर्णिमा के दिन होता है, जिसे कहते हैं हाई टाइड और लो टाइड। तो ये पूर्णिमा के दिन बड़ी हाई टाइड आती है और सभी से वो अलग होती है। उसी प्रकार जंगलों पहाड़ों में, पर्वतों में, दरियों में, कंदरों में, जहां वहां जहां जहां जीव सत्व रहते हैं, वहां ये पूर्णिमा का दिन उन सभी के लिए बड़ा मंगलमय, बड़ा आनंदमय ऐसा दिन सभी के लिए होता है। ये समुद्र में, महासागर में रहने वाले जीव सत्व उनके लिए बड़ा आनंद का दिन होता है, धरती पर रहने वाले जीव सत्व उन्हीं के लिए भी आनंद का दिन होता है। इसी प्रकार हमारे मानव लोक में मानव के लिए भी ये पूर्णिमा का दिन बहुत ही अलग प्रकार का आनंद, सुख, शांति लेकर आता है, और इसीलिए मानव समाज में हर परंपरा में, हर धर्म में, हर संप्रदाय में इस पूर्णिमा के दिन को बहुत ही अलग ढंग से, बड़े श्रद्धा के साथ, पूज्य भावना के साथ उसे मनाते हैं। तो ये हमने देखा है, ये जो पूर्णिमा का, भाद्रपद पूर्णिमा का दिन विशेष वर्षावास में आने के कारण ये 3-4 महीने बहुत ही लोगों के लिए एक पुण्यवर्धक दिन माने जाते हैं, जो सभी को सुख शांति और मंगल मैत्री विशेष रूप से बांटी जाती है। ये पूर्णिमा के ही दिन विशेष रूप से भिक्षु संघ, भगवान बुद्ध के काल में रात भर भिक्षु संघ जागता था, रात का पहला प्रहर, रात का दूसरा प्रहर, रात का तीसरा प्रहर, ऐसे तीनों प्रहर तक भिक्षु संघ जाग कर इस पूर्णिमा के दिन को, हर पूर्णिमा के दिन को बुद्ध के काल में वो मनाते थे, और वही मनाने की प्रथा आज भी बौद्ध देशों में भी है। मैंने श्रीलंका में देखा, वहां पर भी पूर्णिमा के दिन रात भर कार्यक्रम चलते रहते हैं, और
थाईलैंड में भी और हर बौद्ध देशों में ये पूर्णिमा के दिन को बहुत ही अच्छे प्रकार से मनाया जाता है। मझ्झिम निकाय ग्रंथ में एक राहुलवाद सूत्र तथागत भगवान बुद्ध ने जो दिया, हमारे श्रीलंका के एक महास्तवीर बताते थे कि ये भाद्रपद पूर्णिमा के अवसर पर दिया हुआ सूत्र है, ऐसा वो बताया करते थे। तो ये मझ्झिम निकाय में तथागत बुद्ध ने जो राहुलवाद सूत्र की देशना की और भगवान बुद्ध ने बताया विशेष रूप से कि कोई भी काम करने के पहले पच्चवेक्षित्वा काये न कम्भंकातव्यः, पच्चवेक्षित्वा वाचाय कम्भंकातव्यः, पच्चवेक्षित्वा मनसा कम्भंकातव्यः, न अत्तव्या बाधायपि संवत्तति, न परव्या बाधायपि संवत्तति, न उभयव्या बाधायपि संवत्तति। इस प्रकार तथागत बुद्ध ने जो विशेष रूप से जो देशना की कि कोई भी काम करने के पहले उसे हम सोचकर समझकर अच्छे ढंग से उसे करने का प्रयास करें, जो किसी की हानि न करता हो, किसी के नुकसान न करता हो, ऐसा जो कर्म है वो बड़ा ही मंगलकारक, बड़ा ही कल्याणकारक होता है। तो भगवान बुद्ध ने ये जो कर्म के बारे में बताया और विशेष रूप से जो मझ्झिम निकाय में राहुलवाद सूत्र में ये जो कर्म का विशेष स्वरूप तथागत बुद्ध ने बताया है वो भी आप समझने का प्रयास करिए। हम इस पूर्णिमा के दिन एक विशेष रूप से दायक सभासद उसको हम बनाने का अनाउंस कर रहे हैं। दायक सभासद की घोषणा हम इस पूर्णिमा के दिन करने वाले हैं। एक संकल्प करके धम्म को अच्छा बनाने के लिए, बलशाली बनाने के लिए एक दायक सभा का निर्माण करके हम 25 श्रामणेरों को एक विशेष रूप से ट्रेनिंग देने का संकल्प कर रहे हैं कि जिन्हें 3-4-5 महीने तक एक विशेष ट्रेनिंग दी जाएगी और विशेष ट्रेनिंग देकर उन्हें विदेश भेजा जाएगा अच्छे ट्रेनिंग के लिए। वो सारा खर्चा हम दायक सभा की ओर से करेंगे, तो वो भी एक प्रोजेक्ट हम इस पूर्णिमा के दिन घोषणा उसकी करेंगे। उसी प्रकार ये जो 25 रामदेव की ट्रेनिंग वो सर्वोदय महाबुद्ध विहार तिलक नगर चेंबूर में होगी, उसकी सारी व्यवस्था यहाँ पर हम करेंगे। उसी प्रकार हमने एक दायक सभा का निर्माण किया है, दायक फंड, कि लोगों को हम अवसर दे रहे कि ऐसे मंगल कार्य में आप अपने अच्छे भावना से मन में श्रद्धा निर्माण करके, कुशल भाव निर्माण करके, पुण्य भाव निर्माण करके ऐसे प्रोजेक्ट में आप दायक सभासद बनिए, धम्म के दायक बनने का संकल्प करिए और अपने जीवन को मंगलमय करिए। इसी प्रकार इसी एक प्रोजेक्ट हमारा और भी हम लॉन्च करना चाहते हैं कि मैत्रेय बुद्ध, ये मैत्रेय बुद्ध की एक विशाल मूर्ति बनाने का हमारा संकल्प है। तथागत भगवान बुद्ध ने मैत्रेय बुद्ध के बारे में, मैत्रेय बुद्ध के बारे में जो बताया है सारे बौद्ध देशों में भगवान बुद्ध ने जो बताया, तब से लेकर हर जगह ये मैत्रेय बुद्ध की जहां वहां बात की जाती है, तो वो भी हम एक मैत्रेय बुद्ध की बहुत बड़ी मूर्ति बनाने का भी हमारा संकल्प है। और उसी प्रकार इस पूर्णिमा के अवसर पर हम एक वेबसाइट, विशेष रूप से जो हमारी कई सालों से वेबसाइट चल रही है लेकिन अच्छा डेवलप करके उसे और भी अच्छी तरह से हम लॉन्च कर रहे हैं, तो उसका भी अनाउंस इस भाद्रपद पूर्णिमा के दिन होगा। दायक सभा का भी अनाउंस यहाँ पर होगा, कैसे आप दायक सभासद बनेंगे उसके बारे में भी यहाँ पर
हम ठीक से बताएंगे ही। और YouTube में हमने पहले ही बताया है कि सद्धम्म का दायक बनकर असीम कैसा लाभ लेंगे, वो सीडी 27 अगस्त 2020 की एक सीडी सुनिए, एक क्लिप 27 अगस्त 2020 की, उसमें हमने दायक सभा के बारे में बताया। फिर और भी एक धम्म का दायक बनने से कौन से लाभ होते हैं, कैसे लाभ होते हैं, उस पर भी जो 33 लाभ मिलते हैं धम्म का दायक बनने से, वो भी जो हमने वीडियो क्लिप डाली है 19 जून 2020 की क्लिप सुनिए कि 33 कौन से लाभ होते हैं धम्म का दायक बन के, तो वो भी सुनिए। और इसी प्रकार जहां जहां हमारे इस YouTube चैनल में दायक पर जो हमने प्रवचन दिए हैं, 2-4-5 ही हो गए इस 3-4 महीने के इसमें, तो वो दायक जहां शब्द आता है तो वहां विशेष रूप से दायक के बारे में तथागत बुद्ध ने क्या बताया, कैसे बताया, कैसे दायक बनने से हमारा जीवन कैसे पवित्र पावन मंगलमय बनता है, उसको समझाने का भी हमने उन क्लिपों में प्रयास किया बुद्ध वाणी के आधार पर। तो उसे भी आप सुनने का अवश्य प्रयास करिए और इसी प्रकार धम्म का दायक बनने का संकल्प करिए। तथागत भगवान बुद्ध दो प्रकार की बात करते हैं, एक तो धम्म का उपासक उपासिका, ये भी एक दर्जा हुआ, लेकिन उससे बड़ा दर्जा है धम्म के दायक दायिका, ये बड़ा दर्जा है। और फिर उससे भी और बड़ा दर्जा होता है धम्म के दायाद बनना, तो वो भी और एक बड़ा दर्जा होता है। तो धम्म के दायक बनकर सर्वसामान्य उपासक उपासिकाएं अपने जीवन को धन्य धन्य कर सकते हैं। तो आप धम्म का दायक बनने का संकल्प करें। इस पूर्णिमा से हम उस दायक सभा को लॉन्च कर रहे हैं, उसके लिए जो हमने 2 महीने पहले जो प्रवचन दिए थे कि हम एक दायक सभा प्रस्थापित करेंगे, उसकी तैयारी में थोड़ा समय लग गया, लेकिन अभी सारी फॉर्मेलिटीज लगभग पूरी हो चुकी है। और वो अकाउंट भी हमने दायक सभा का एक सेपरेट विशेष अकाउंट हमने बैंक में खोला है, उसकी भी जानकारी हम आपको देंगे। तो आप इसका लाभ लेवे और धम्म के दायक बनने का इस पूर्णिमा के दिन संकल्प करके लाभ लेकर देखिए दायक बनने से क्या लाभ होता है, दायक कैसे बनेंगे उसके बारे में भी हम और भी बीच बीच में बताएंगे ही। तो अभी आने वाली जो पूर्णिमा है 2 तारीख को, तो अष्टशील का पालन करना है, जो जो पालन करेंगे अष्टशील का वो करें, जो पंचशील का पालन करना है पंचशील का पालन करें, लेकिन इस पूर्णिमा के दिन विशेष रूप से हमें दायक बनकर एक संकल्प करके धम्म के साथ जुड़ने का संकल्प करें, बहुत कल्याण होगा, बहुत कल्याण होगा। त्रिरत्न की मंगल मैत्री के असीम पाने वाले आप बन जाएंगे। आप सबका मंगल हो, सबको निरोगत्व मिले, सबको सुख शांति मिले, यही मंगल भावना के साथ सद्धम्म की सेवा में आपकी सेवा में डॉक्टर भदंत राहुल बोधी महाथेरो। आप सबका मंगल हो, सबका मंगल हो।